जो समझते हैं वो स्त्री में समझ सकते हैं। इसलिए लड़ाई हिंदू मुसलमान के बीच की नहीं है, ये लड़ाई संविधान की रक्षा की। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, ये लड़ाई सही मानों में ये गरीब और अमीर की लड़ाई है, क्योंकि जो अमीर है चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी बिरादरी के हो, उनके पास इतना धन है, इतनी राशि है, इतना पैसा है कि अगर वो चाहेंगे तो तमाम सबूत इकट्ठा कर लेके अपने नागरिकता, उनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। माना जाएगा गरीब, लाइन में लगना पड़ेगा गरीबों को, चाहे वो हिंदू गरीब हो, चाहे वो मुसलमान गरीब हो, चाहे वो आदिवासी गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म के जाति, उस गरीब को लाइन में रखना पड़ेगा और अपने माँ बाप, अपने दादा, अपने परिवार के लोगों का, उनके स्वस्थ है कि मोदी जी जब से शासन में आए हैं उनका कोई ऐसा कारनामा नहीं है जिसको कहा जाए कि वो देश के हित में है। देश की जो बुनियादी समस्याएं हैं उसका समाधान करने में उनकी कोई पहल हुई है। आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तो उन्होंने देश के अलग अलग वर्गों को, अलग अलग समूह को बहुत सारा सपना दिखाया था, ख्वाब दिखाया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमारा शासन आएगा, हमारी हुकूमत आएगी, तो इस देश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। फिर उन्होंने किसानों को कहा कि अगर हमें मौका मिला तो हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, किसानों की जो अनाज की कीमत है उसको दुगनी कर देंगे। किसान भी उनकी बातों में आया। फिर उसके बाद कहा कि हम इस देश से काला धन खत्म कर देंगे और विदेशों में जो काला धन लोगों का जमा है उसको विदेश से देश में लाएंगे, और इतना काला धन हमारा बाहर में है कि उसको लाने के बाद इस देश के हर नागरिक के खाते में 15 लाख और 20 लाख रुपया जमा हो जाए, खुद ब खुद जमा हो जाए। एनआरसी पर कई मंच साझा करके आ रहे हैं, इसके प्रति में बताइए। देखिए, लोगों के अंदर बहुत बेचैनी है और लोगों ने इसको एक प्रकार से नापसंद किया है, और बहरहाल आप तमाम हाजरीन से गुजारिश है कि कोई भी लोग तमाम के साथ आवाम जो है वो इसको मानने को तैयार नहीं है। पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस का अगला कार्यक्रम क्या होगा? कांग्रेस का अगला कार्यक्रम क्या है? पूरी तरह से साथ है कांग्रेस, 26 के बाद प्रोग्राम है। पहले दिन से कोशिश हम लोग की है इस आंदोलन का। आज कहाँ कहाँ आपने मन साझा किया? आज हमने गया में किया, नवादा में किया। जनता में क्या आक्रोश देख रहे हैं? जनता में बहुत आक्रोश है और साथ लोगों में हम तमाम हाजरीन को इसी तरह दिलचस्पी